हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी बिंग। मैं अनुश्री, कैसे आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग DIY दोबारा से। ये एक फेस पैक होने वाला है, तो ये मैं आपको बता दूँ किन लोगों के लिए होने वाला है। स्पेशली ये होने वाला है ऑयली स्किन वालों के लिए। इसको यूज़ सभी लोग कर सकते हैं, बट स्पेशली जो है ये ऑयली स्किन वालों के लिए, तो ऑयली स्किन वालों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑयली स्किन वाले इसलिए आप यूज़ करेंगे, यूज़ इसको कोई भी कर सकता है। किसी भी स्किन पर कोई इरीटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट वर्क करे, मेरा कहने का ये मतलब है आप लोगों से। तो इसमें वही चीज़ें हमें चाहिए जो कि हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। वो प्लीज़ नॉइस आ रही है, थोड़ी सी उसको इग्नोर करिएगा, काम चल रहा है घर में इसीलिए। तो बैक टू द पॉइंट, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए जो कि हमारे किचन में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमें, तो सभी स्किन टाइप वालों के लिए होने वाला है, मैंने आपको अभी बताया। 3 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, मतलब 3 चीज़ों की हमें नीड पड़ेगी जो कि हमारे किचन में अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। फर्स्ट होने वाला है हमारा कॉर्नफ्लोर, मकई का आटा जिसको हम बोलते हैं। बहुत ही सॉफ्ट पाउडर जैसा होता है, आप लोगों ने अगर यूज़ करा हो तो, और बहुत सस्ता होता है, महंगा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो सबसे पहला चाहिए हमें वो, एंड उसका क्या बेनिफिट है, आपके स्किन पे जो ऑयलीनेस है ना, वो उसको खींच लेता है। ऑयल को ना सक करने की उसके अंदर एक पावर होती है, मतलब ऑयल को वो खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया हमारा वो, एंड आपको वाइटनिंग इफेक्ट भी थोड़ा प्रोवाइड करेगा, या स्किन का आपका स्किन टोन थोड़ा सा लाइटन करेगा। अब सेकेंड हमें चाहिए लेमन जूस। लेमन जूस आपको सबको पता है, लेमन जूस डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए स्किन पे, लेकिन आप किसी चीज़ में मिक्स करके उसको लगा सकते हैं, तो वो आपके स्किन पे इरिटेशन नहीं करता है, एंड सबसे अच्छा वाइटनिंग एजेंट होता है लेमन जूस जो हमारा होता है। ये हमारा रोज़ वाटर, सबको पता है रोज़ वाटर हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कोई भी स्किन टाइप वाले इसको एज अ टोनर लगाएं, किसी फेस पैक में मिक्सअप करें और डायरेक्ट फेस पे लगाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी स्किन टाइप के लिए। सूदिंग होता है, कोई इचिंग इरिटेशन हो रही है उस पर गुलाब जल लगा लीजिए आप, ठंडा करके, बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। एंड आप सबको पता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे से बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें उसको प्रिपेयर कैसे करना है, मतलब कैसे उसकी मेकिंग होने वाली है। तो चलिए पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक क्लीन बोल, एंड उसके अंदर हम 1 से 1.5 चम्मच के आसपास लेंगे कॉर्नफ्लोर। 1 चम्मच भी ले सकते हैं, इनफ है। एंड उसमें एक पूरा का पूरा मैं यहाँ पे लेमन स्क्वीज करके डाल दूंगी। बीज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको निकाल सकते हैं। और एक लेमन पूरा स्क्वीज कर लेंगे इसके अंदर, एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे अपना ठंडा ठंडा रोज वाटर। इसको पहले मिक्स कर लें अच्छे से। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून डालेंगे रोज वाटर, एंड अच्छे से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक स्लरी टाइप का ये बन जाएगा आपका पेस्ट, आप देख सकते हैं। और ये हमारा हो चुका है रेडी टू यूज़। आप लोगों ने मेकिंग देख ली है, तो चलिए अब उसको अप्लाई कर लेते हैं। हमें उसको कैसे अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है उसको क्लीन फेस पे। आप अच्छे से पहले अपने फेस को वॉश कर लीजिए, फेस वॉश से कर लीजिए, एंड उसको पैन ड्राई कर लीजिए, अपनी स्किन को बिल्कुल मतलब क्लीन कर लीजिए, एंड उसके बाद हमें उसको डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करना है। एंड अप्लाई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ फिर आपको कितनी देर के लिए उसको छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है बिल्कुल यूज़ करने के लिए। तो चलिए इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रश से इसको अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। आप देख सकते हैं ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा आपको लग सकता है, तो इस चीज़ का मेक श्योर ध्यान रखें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गंदा कपड़ा, आप कोई ख़राब कपड़ा लेकर उसको अपने टॉप पे या टी शर्ट पे लगा सकते हैं, जिससे कि वो गंदा ना हो। एंड बस इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, एंड लगा लेते हैं। थोड़ा सा मैं अभी ब्रश की हेल्प से ना करके ना हाथ से लगाऊंगी, तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा इसको अप्लाई करना। थोड़ा सा देखिए मैसी है, टपक रहा है जगह जगह, बट ये है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए DIY चीज़ें स्किन पे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती हैं, एज अ केमिकल तो बिल्कुल भी नहीं। केमिकल चीज़ें हमारे स्किन को ज़्यादा हार्म पहुंचाती हैं, तो इसीलिए DIY चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और केमिकल चीज़ों का कम से कम। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही अपनी फेस पे लगा लेंगे। थोड़ा सा मैसी है, मेक्सर चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा सा, और कोई नया कपड़ा वगैरह पहन के इसको ना लगाएं। और ये अब लग चुका है हमारा, आप देख सकते हैं मैंने ये अप्लाई कर लिया है। देखिए इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मैसी है, बट आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे।
ट्रस्ट मी, ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा मैसी है तो क्या दिक्कत है, सब चीज़ें घर में अवेलेबल हैं, फ्री में अच्छे से स्किन की केयर हो रही है। और आपको क्या चाहिए है ना, तो आपको इसको 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ना है जब तक ये ड्राई आउट नहीं हो जाता। अगर आपका 10 मिनट में ड्राई आउट हो जाए तो आप 10 मिनट में वॉश कर लीजिए, एंड आपको सिंपल टैप वाटर से इसको वॉश करना है। आप चाहे तो कोल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गर्म पानी नहीं आपको यूज़ करना है, ल्यूक वार्म भी नहीं करना है। तो आपको ठंडा पानी या नॉर्मल टैप वाटर यूज़ करना है, और आपको ये लगाना है 20 से 30 मिनट के लिए जब तक ये ड्राई आउट नहीं हो जाता। तो मैं आपको मिलती हूँ उसको ड्राई आउट होने के बाद। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस आपको एकदम क्लीन दिख रहा होगा। तो देखा आपने, बिल्कुल फेस पे मेरे ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल कोई फेस पे ऑयल नहीं है, एकदम से स्किन रेडिएंट क्लीन हो चुकी है, एंड कलर में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है मुझे। अगर वीडियो अच्छी लगे डेफिनेटली इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करिएगा, एंड अगर अच्छा लगता है तो मेक श्योर इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में चलन, बाय गाइस। I don't push pods, no, I push play.